बॉलीवुड के बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, पर क्या आपको यह किस्सा पता है? जब दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी में एक सुपरस्टार घुटने के बल चलकर आया था, इसके पीछे जो वजह थी उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जय वीरू की कहानी तो सभी ने बड़े पर्दे पर देखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने जमाने में दो दिग्गज बॉलीवुड सुपरस्टार ऐसे थे जिन्होंने इनसे भी बड़ी दोस्ती अदा की। दो दिग्गज बॉलीवुड सुपरस्टार दिलीप कुमार और राज कपूर की बात हम कर रहे हैं, जिनके बीच की दोस्ती भी काफी मशहूर थी। जी हाँ, अपने दौर के इन दो महान कलाकारों की दोस्ती को लेकर आज भी मिसालें दी जाती है। हाल ही में दिलीप कुमार की पत्नी और अपने जमाने की फेमस अभिनेत्री सायरा बानो ने अपने सोशल मीडिया पर इन दोनों के बीच की दोस्ती के बारे में बताया और उनके मजेदार किस्से शेयर किए। सायरा बानो ने हाल ही में राज कपूर और दिलीप कुमार साहब की दोस्ती की मिसाल का एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि उस वक्त दिलीप साहब कुंवारे थे और राज जी अक्सर उनसे शादी को लेकर सवाल पूछा करते थे कि तू कब शादी करेगा। उसी मजाक में एक बार राज जी ने कह दिया था कि जिस दिन तू शादी करेगा उस दिन मैं घुटने पर चल कर आऊंगा। उन्होंने बताया कि जिस दिन दिलीप साहब और मेरी शादी हुई उस दिन शोमैन के नाम से मशहूर राज कपूर सचमुच अपने घुटनों के बल चलकर शादी में आए। इस तरह वे एक अच्छे दोस्त की तरह अपनी बात पर कायम रहे। वैसे भी बॉलीवुड में इनकी दोस्ती के चर्चे भी खूब थे। बाकी सायरा बानो ने यह किस्सा राज कपूर के 99 बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया। अपने पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिलीप साहब और राज कपूर जी के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दोनों में भाइयों जैसा प्यार था। यही नहीं, दोनों एक दूसरे से हर राज साझा किया करते थे। इस पोस्ट में सायरा ने अपनी शादी की फोटोज भी शेयर की, जिसमें दिलीप कुमार के पास राज कपूर भी नजर आ रहे हैं। तो कैसा लगा आपको बॉलीवुड का ये किस्सा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए आप देखते रहिए KVC News।